कसम खाई क्या मेरे घर को तबाह करने की? हाँ क्यों बजाया ये गाना? यार राइट, अभी बोलती बंद हो गई है ना? जीरो आर का मतलब जानती हो तुम? अजय, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता नहीं गाना कैसे बजा। राइट, ताजमहल के मकबरे से भूत आया, उसने सॉन्ग प्ले किया। अजय सच्ची पता नहीं ये फोन कैसे अचानक से गाना? फोन ना तुम्हारे दिमाग की तरह है, कभी भी कुछ भी कर देता है, कभी मेरा नंबर डायल कर देगा और कभी ऐसे बेहुदा सॉन्ग प्ले कर देगा। मुझे कभी अजय क्या मजाक है, मेरा फोन दो। तुम क्या करोगे मेरे फोन का? यमुना नदी में जाके फेंकूंगा, कहो तो तुम्हें भी फेंक दूं साथ में। अजय प्लीज। नहीं अजय क्या बदतमीजी, मेरा फोन दो। अजय नहीं, अजय प्लीज, अजय मेरा फोन दो। अजय क्या है यार ये? देखो तुम्हें मुझे डांटना है तो मुझे डांटो, बट मेरा फोन प्लीज वापस कर दो, अज्जू का फोन आने वाला है। अजय क्या कर रहे हो, मुझे मेरा फोन चाहिए। अजय क्या कर रहे हो तुम? अजय मेरा फोन, थैंक यू। अब मेरा फोन, ये फोन तुम्हें नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, ओके? ये रोज रोज के नाटक से ना मैं तंग आ गया हूं, पहाड़ में क्या है? अजय मेरा फोन। वहाँ नहीं, यहाँ कैमरा के सामने आकर बोलिए। मुझे 500 लाइक्स मिले हैं एक घंटे में अपने अपडेट पे। पर ये क्या चल रहा है? अरे भाभी आयुष भैया का वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस बार हम श्योर है कि हमारे भैया जरूर जीतेंगे। और पता है वीडियो का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ पेंडे वाला चैंपियन। क्या आइडिया है अपनी, ताकि इससे आयुष भैया के बच्चे अपने परदादा का कमाल देख सके। मुझे भी बनाना है वीडियो, पर ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही ना, मैं चेंज करके आती हूँ, 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। भाभी, पापा, मामा जी, excuse me, मामा जी, stop, मामा जी। वैसे आयुष भैया के मैच के बारे में क्या ख्याल है आपका? अरे ख्याल क्या है, यकीन है, पूरा यकीन है कि हमारा शेर मैच जीत के आएगा। हाँ बिल्कुल सही। अरे आखिर वो गया किस पर है? अपने नाना जी पर। और मुझे तो लगता है कि वो अखाड़े में ही नहीं, अखाड़े के बाहर भी 2-3 लोगों को तो घायल कर ही देगा। परफेक्ट नानी। मामी जी, मम्मी, मामी जी। वैसे आप क्या बना रही हैं? एक सेकंड, आप जो भी बना रही है ना प्लीज रुक जाइए। हाँ बदमाश लोग चुप करो, मैं तो आज मीठा बना के रहूंगी। मीठा? पर मां बना के रही हो मीडिया से भैया? मैं नहीं बताऊंगी, अगर बताऊंगी तो तुम्हें से कोई बाहर से खरीद कर ले आएगा। ओहो मामी जी बताइए ना। भैया, वैसे आयुष भैया के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? सुनो जीत गया ना, और डरना बिल्कुल मत, डर के आगे जीत है। क्या बात है, और तेरा पूरा पेठे वाला परिवार भी इन फुल सपोर्ट, ओके? और समर आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया के लिए? हाँ क्या? और दादा संजना एक मिनट अंदर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में बात कर। बाद में क्या, अभी बात करनी है, इम्पोर्टेंट बात है। बात करनी थी। बता। ये क्या है? अच्छा मुझे तो ये वैसे फोन दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है? अजय आई नो ये फोन है, लेकिन तुम मुझे क्यों दे रहे हो? अरे क्योंकि मैंने तुम्हारा फोन तोड़ दिया था ना, इसलिए। ऑब्वियसली यमुना नदी तक फेंकोगे तो टूट ही जाएगा ना। अरे तो उसके बदले में तो मैं फोन दे रहा हूँ तुम्हें, और इसमें मैंने सेम सिम भी डलवा दी। रियली? हाँ लेकिन अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे, मतलब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यमुना नदी के पास कीचड़ में जाके मेरे फोन के अंदर से सिम कार्ड लेके आए? बस अपने आप को VIP मत समझो, एंड आजकल नया सिम सेम नंबर मिल जाता है उसमें। जो भी है थैंक यू। हेलो ये जो अपनी मक्खनबाजी है ना तुम अपने पास रखो, ये मैंने तुम्हें फोन इसलिए दिया है ताकि तुम अपने डैड से मेरी कंप्लेन नहीं करो,
के और वहां पर टपकना पड़े तमाशा करने। क्या तुम्हें सीरियसली लगता है ये सब मैंने किया? मैंने डैड को यहाँ बुलाया, मुझे ट्रस्ट क्यों नहीं करते? ट्रस्ट और तुम पे, वो तो इस जन्म में करने से रहा। ठीक है अजय, दूर, बिल्कुल दूर। अच्छी दोस्ती करने की कोशिश भी मत कर, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं जानती हूँ अजय, तुम्हें लगता है कि ये सब के पीछे मैं जिम्मेदार हूँ, सब मेरी गलती, पर आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें रॉन्ग प्रूव कर कर ही रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस इंसान का पता लगा के रहूंगी जिसने जिसने डैड को बताया और वो फोन कॉल भी। जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है मैं उसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। हेलो, नेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। एक्चुअली मुझे आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूँ। आयुष पेठेवाला मैच से पहले घूस लेने वाला है। ये जानकारी जिसने भी दी है उनकी सारी डिटेल्स मैं आपको मेल कर दूंगी और आयुष पेठेवाला का फोटो भी। थैंक यू। भाभी, भाभी वो मैं फोन पे वो पर अभी आपसे ये उम्मीद नहीं। Exactly. आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? नहीं, तुम दोनों वो गलत समझ रहे। कमाल है भाभी, मैच भैया का हो रहा है। और देख भाभी कितना हो रही है। देखो पसीना पसीना हो गई है भाभी। आप बिना रिलैक्स। अब क्या करूं? बचपन से ऐसी हूं। रिलैक्स भाभी, आयुष भैया ना चैंपियन है। Exactly. कैसे चुटकी में हरा देंगे उसको। आप उनकी टेंशन लेना छोड़ो और जल्दी से एक प्यारी सी बाइट दो उनके लिए। अरे हाँ। अवनी, कहाँ? कैमरा ऑन कर। ओके। क्या देवर जी, आज आपका मैच है ना और आप अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस भाभी, बिकॉज़ आई बिलीव दुश्मन को ना कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओह आई सी, नाइस थॉट। भाभी ये मैच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर मैं मैच जीत गया आई विल बी द नेशनल लेवल बॉक्सर। डू यू नो हाउ बिग दैट इज? जरूर बनेंगे आप। और देखना आने वाले कुछ सालों में आप ओलंपिक्स और भी बहुत सारे मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। यू आर द बेस्ट। अभी आपके मुंह में ना खिसक कर। अच्छा ठीक है, अब ये प्रैक्टिस छोड़ो और नीचे जाओ। नीचे जाके देखो सब लोग मिलके तुम्हारे लिए कितना अच्छा वीडियो बना रहे हैं। वीडियो मेरे लिए? या व्हाट आर यू सेइंग भाभी? अरे मुझे बस बैकपैक करने दो फिर मैं जाता हूं। बैकपैक मैं कर लूंगी ना। अरे नहीं भाभी आप क्यों? देवर जी आप करें या मैं करूं, बात तो एक ही है ना। और जब आपको क्रेडिट मिलने वाला है आफ्टर यू विन द कॉम्पिटिशन तो वो क्रेडिट भी तो मैं शेयर करूंगी। ओके ओके इफ यू से सो। भाभी मैं भी आया। ठीक है
सॉरी भगवान जी, मुझे माफ कर दे। अब क्या करें? लातों के भूत अगर बातों से नहीं मानते ऐसा ही करना पड़ता है। आयुष पेठेवाला की सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहा हूं, क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरे पति को और मुझे इस घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिले, फिर अपने एक तरफ और पराए आउट ऑफ द हाउस। क्या दिमाग लगाया मैंने, सीरियसली आई एम लाइक ग्रेट। अरे बब्बर शेर है मेरा भाई, और जब दहाड़ता है ना पूरे बॉक्सिंग एरिना में खामोशी छा जाती है। ओपोनेंट घबराए हुए मेमने की तरह रिंग में इधर उधर भागने लगता है, और उसके बाद अपना चैंप जैब जैब अपकट, गेम ओवर। लगता है मेरे बारे में बात हो रही है। और अब हम आपसे मिलवाते हैं इस घर के कुलदीपक से, द बॉक्सिंग स्टार आयुष पेठेवाला, द फ्यूचर इंडियन बॉक्सिंग चैंप, हमारे आयुष भैया। वैसे भैया अपने फैंस को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज? दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं आज कॉलेज का आखिरी दिन है, और मैं जानता हूँ आप सब ने आगे आने वाले दिनों के लिए कोई ना कोई प्लान बनाए रखे होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने ना कोई प्लान नहीं बनाया। ओह, बस सच बोलूं सुबह से ना मेरे दिल में एक ख्याल जरूर आ रहा है, एक ख्याल कि दादी कहती है बड़ा नाम करेगा आयुष हमारा ऐसा काम करेगा, पर ये कोई ना जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। आयुष, बेस्ट ऑफ लक। अरे मुझे तो बेसन के लड्डू बनाने आते हैं बहुत अच्छी तरह से। सबसे जरूरी बात, ये बेसन के लड्डू बनाने में जितने मुश्किल लगते हैं एक्चुअली उतने मुश्किल होते नहीं। पहले तुम कढ़ाई को गर्म होने दो, उसके पहले कुछ मत डालना। तो पहले कढ़ाई को गर्म होने दो। नहीं नहीं, पहले घी। बस दो चम्मच। फिर उसमें थोड़ी सूजी मिलाओ। पर बहुत सारा नहीं, अगर तुमने 1 कप बेसन लिया है तो 1/4 सूजी लेना। थोड़ी सी सूजी, बस 1 ही चम्मच। फिर उसे थोड़ा भूनो। उसमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करो। नहीं नहीं, दोनों साथ में नहीं, अलग अलग भूनना। थोड़ा और, बस बस बस। अब उसको भूनते जाओ जब तक वो अच्छी तरह से पक नहीं जाता और उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, क्योंकि वो जलना नहीं चाहिए ना। और मीडियम आंच पे, हाँ बिल्कुल फास्ट मत करना वरना वो कच्चा रह जाएगा। वेरी गुड। मामी जी, आपको अजय को माफ करना ही होगा, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर अजय आपकी फैमिली है ना, मेरा क्या, मैं तो बस
लगता है मीठे में लड्डू बन रहे हैं। अरे मुझे तो खुशबू से पता लग गया। वो किचन वाले लड्डू ना, मैं टेस्ट नहीं करूंगी। वो समर के एग्जाम शुरू है ना। अरे तो उसका लड्डू के साथ क्या कनेक्शन है भाई? क्यों नहीं है, मेरे दांत टूट गए तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे? पॉइंट। अरे लड्डुओं के कंचे। और मेरा पेट खराब हो गया तो आप सबको तो पता ही है, लास्ट टाइम पता है ना भाभी क्या हुआ था? हाँ तो पूरे घर में तूने। और वैसे भी यार ये सारे लड्डू आयुष भैया के लिए बने ना, तो भैया। हाँ वो तो है, मैच मेरा है, मुझे खेलने दोगे या नहीं? एक काम कर सकते हैं हम। हाँ, आयुष के लिए गुड लक की मिठाई रेडी है। क्या कुसुर कुसुर चल रही है? नहीं कुछ नहीं चल रहा है। नहीं वो मैच की बात है। इलायची मैं ये कह रही थी कि ना पहले ना सबको थोड़ी थोड़ी खिला दो। क्या है ना इस उम्र में अगर थोड़ी चीनी खाएंगे तो बुढ़ापे में जाकर शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरी वेल सेड दादी, थैंक यू दादी। लेकिन माँ मैंने तो बहुत कम चीनी डाली है। अच्छा। आज हमारा आयुष बेटा अपना और इस परिवार का नाम रोशन करेगा। चलो मुंह खोलो। आयुष आयुष तुझे खाना चाहिए, देख। ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा ना? क्या बात है, क्या स्वाद है। रूपा मामी इज डिलीशियस। अरे आज तो चमत्कार हो गया, मामी ने ऐसा लड्डू बनाया ना हलवाई से बेटर है कसम से। क्या बात कर रहे हैं? माँ मुझे। लेकिन चीनी तो कम खानी चाहिए ना। मैंने नहीं कहा था वो। हाँ लेकिन हाँ किसने कहा था? हाँ इसने बोला था। अरे कमाल हो गया है, गौ के हाथ से लड्डू अच्छे बन गए। मैं भी खाऊं। चलो जल्दी से लाओ लाओ लाओ। अरे सभी खाएंगे। वाह वाह वाह। अरे मैं दे रही थी बेटा। मामी जी वाह, मामी ये लड्डू तो सच में यम्मी है। वैसे इस यम्मी लड्डू की रेसिपी तो बताइए। वैसे प्यार से बनाई हुई चीज में बहुत स्वाद होता है। आयुष भैया मेरे और मामी जी के तो बहुत फेवरेट है ना, वैसे भी इसलिए अच्छे लड्डू बने। अरे भाभी आयुष भैया नहीं अजय फेवरेट है मांगा। चले आयुष को लेट हो जाएगा। मेरे से की मिठाई मामी। इस घर का तो रूल यही है ना कि गुडलक की मिठाई मां के हाथों से खाई जाती है। कायदे कानून की बात करें तो ऐसा है ना अजय कि अगर बच्चे घर का रूल तोड़ सकते हैं तो फिर माँ बाप क्यों नहीं? और एक बात बताती हूँ, प्यार और रिश्ते एक दूसरे पर जबरदस्ती थोपे नहीं जा सकते, ये सब दिल से बनते और बिगड़ते हैं। जानता हूँ मम्मी, इस बात का पूरा एहसास है मुझे। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, तब तक अपने दिल में मेरी थोड़ी सी जगह बचा कर रखिएगा। वहां कोई और ना आने पाए।